मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 तारीख तक का समय दिया गया था, पर मुख्यमंत्री ने अपनी मां के स्वास्थ्य का हवाला देकर एक महीने का समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने वही उनको 10 दिन का समय दिया है। इस पर बीजेपी भी कहां चुप्पी साधने वाली थी और बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि हेमंत सोरेन जी, ईश्वर से प्रार्थना है कि माता जी शीघ्र स्वस्थ हो और जल्दी रांची वापस आए। लेकिन एक बात समझाएं कि जब आप एचसी में 3 दिन पूर्व माइनिंग लीज के लगभग सामान मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं दिया? ये बात कोई और नहीं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है। दे दिया, सारे इश्यूज पे जवाब दे दिया, सिमिलर आरोप लगे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब सिमिलर आरोपों के आधार पर उनको शो कॉज किया तो वहाँ इन्होंने समय ले लिया। उनकी माता जी अस्वस्थ बताई जा रही है, हमारी पूरी सहानुभूति माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी माता जी जल्द स्वस्थ हो। लेकिन ये बात तो थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि जब उच्च न्यायालय में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वकील के माध्यम से बिंदुवार जवाब देने में सक्षम थे, तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जवाब देने में कमी क्यों काटी? क्या उन्हें पता है उनकी विधायकी जाने वाली और सरकार गिर जाएगी, इसलिए वो समय ले रहे हैं? चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत कार्रवाई का नोटिस दिया है, जिस पर पहले हेमंत सोरेन को 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी मां रूपी सोरेन की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से कहा कि वे तय समय में नोटिस नहीं पढ़ पाए, जवाब देने के लिए एक महीने का समय दिया जाए। अब इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को 10 दिन का और समय पक्ष रखने के लिए दिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।